हाय, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है अश्वगंधा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अश्वगंधा एक बहुत पुरानी मेडिसिन है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अश्वगंधा के एज अ मेडिसिन क्या बेनिफिट है और फिटनेस में इसके क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एज अ मेडिसिन इसके क्या बेनिफिट्स है। तो उन पेशेंट्स को अश्वगंधा दी जाती है जिनको डिप्रेशन होती है, या डायबिटीज़ के पेशेंट्स, या फिर जो इनफर्टाइल जो मैन होते हैं, इनफर्टिलिटी में भी ये दी जाती है। और सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिट देखे गए हैं वो देखे गए हैं डिप्रेशन में, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हॉर्मोन पाया जाता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हॉर्मोन होता है जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो अश्वगंधा क्या करता है, ये कोर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है, जिससे बॉडी में कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है और जो पेशेंट होता है उसके डिप्रेशन में काफ़ी फ़र्क आते हैं, यानी उसकी उसको टेंशन कम होती है। वैसे अश्वगंधा के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसके साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। लेकिन जो मेन हमारी बात है, हम बात करेंगे इसको फिटनेस में भी यूज़ करते हैं। तो अश्वगंधा को एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट की तरह यूज़ करा जाता है फिटनेस के अंदर। काफ़ी जिम गोअर्स और काफ़ी एथलीट इसको यूज़ करते हैं और ये अपने काफ़ी बेनिफिट्स भी दिखाती है। तो मैं अपना भी रिव्यू दूंगा जो मैंने कंज्यूम करी है अश्वगंधा टैबलेट, हिमालय की यूज़ करी थी मैंने 60 डेज तक। तो उससे कंज्यूम करने से मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर तो मैं इसको कुछ ज़्यादा खास कहूँगा नहीं, हाँ भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन जो मैंने यूज़ करा है तो उस हिसाब से मेरे को स्लाइटली थोड़ा मतलब अपनी बॉडी में एनर्जी फील हुई और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ही मेरी इंक्रीज हुई थी। तो एक बात और है कि क्या अश्वगंधा मसल बिल्डिंग में हेल्पफुल है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अश्वगंधा मसल बिल्डिंग में बेनिफिट अपने दिखाती है, ज़्यादा नहीं लेकिन बेनिफिट दिखाती है। अश्वगंधा क्या करती है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करती है, जिससे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी हद तक मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं अश्वगंधा की डोसेज के ऊपर। अश्वगंधा आप 750 mg से 1250 mg रात को सोने से पहले गर्म दूध में ले सकते हैं। कम से कम भी 30 दिन तक अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो ये आपको रिजल्ट अपने दिखाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो टाइम लगाती है अपना असर दिखाने में, तो पेशेंस तो रखना पड़ता है। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लेना, ताकि लेटेस्ट फिटनेस वीडियोस आप सभी तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।